मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज। मनी मल्टीप्लायर कब इंक्रीज होता है, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है। ये तो पहला कहता है इंक्रीज इन केस रिजर्व रेशियो, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। फिर इंक्रीज इन स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, नहीं ये भी गलत है। फिर आता है स्टेटमेंट थर्ड, कहता है इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, हाँ ये सही है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये भी गलत है, पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो हम बता दें कि मनी मल्टीप्लायर जो है ये हमेशा से बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, लोगों के बैंकिंग हैबिट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जितना पैसा मान लीजिए कि 100 रुपये बैंक के पास है, वो उसका जितना रिजर्व लिमिट है सपोज 20% है, तो वो 80 रुपीज़ वो देगा, 20 रुपीज़ रख के बाकी का 80 रुपीज़ वो देगा फिर से लोन में। तो फिर से जब वो इसका मतलब फिर से जो लोन देगा, वो जिसको लोन देगा वो क्या करेगा, उसको डिपॉजिट करेगा, या फिर वो खर्च भी किया तो वो आके फिर से जिसके पास वो खर्च करेगा वो आके डिपॉजिट करेगा, फिर इसी का 20% रख के फिर से ये जो है बाकी का पैसा को फिर ये लोग लोन दे देंगे। तो ऐसे कर करके लास्ट में क्या होता है, जितना पैसा 100 रुपये का 100 रुपये रिजर्व में रह जाता है बैंक के पास, प्लस उसके पास ज़्यादा पैसा बच जाता है, ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो मल्टीप्लाई होके इसको माना जाता है कि मनी मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो इसी के हिसाब से ये रिलेटेड होती है बैंकिंग हैबिट से। इसका मतलब ये है कि लोगों को पैसा दे देने के बाद लोग क्या करते हैं, फिर जितना खर्च करना होता है करते हैं, फिर बैंक में आके ही डिपॉजिट करते हैं, जितना करना होता है करते हैं, फिर बैंक में आके ही डिपॉजिट करते हैं। मतलब बैंकिंग हैबिट जो लोगों का है वो बढ़ जाता है और इससे पैसा भी बढ़ता है बैंक के पास। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है। ओके, थैंक यू।